युवा वर्ग ही देश का भविष्य और ताकत, इनको साथ लेकर बदलूंगा सुर्खी का इतिहास गोविंद सिंह राजपूत। जनसंपर्क में जुट रही जनता, गोविंद सिंह राजपूत को मिल रहा जबरदस्त प्रेम और विश्वास। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इतनी बड़ी संख्या में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का युवा वर्ग देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। युवा वर्ग जिसके साथ हो जाता है वह इतिहास रच देता है। सुर्खी में इतिहास बनाने के लिए अब आप मेरा एक काम और करें, जब आप यहां से घर जाएंगे तो अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और रिश्तेदारों से मेरी ओर से प्रणाम कहना। इससे उस घर के बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इस आशीर्वाद से मेरी ताकत और बढ़ जाएगी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करने की। यह बात सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कही। धुआंधार जनसंपर्क की कड़ी में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को ग्राम बहादुरपुर से जनसंपर्क का आगाज किया। उन्होंने यहां माताओं, बहनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ लेकर भाजपा को वोट देने की अपील की। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के गांव-गांव में पहुंचकर जनता और मतदाताओं से सीधे जुड़ गए हैं। इसके बाद उन्होंने ग्राम डावरी, खरी गुमारिया, पिपरिया खास, एरन मिर्जापुर, किशनपुर, रुसल्ला, कठोदा और ग्राम लचकियाई में पहुंचकर जनसंपर्क किया। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत को जनसंपर्क में जनता और युवाओं का जबरदस्त प्रेम और विश्वास मिल रहा है। युवाओं की टोलियां उत्साह के साथ लगातार 7 कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों का दिल जीत रही है। उक्त गांव में छोटी छोटी सभाओं में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ने कहा कि मंत्री बनने के बाद मुझे काम करने के लिए कम समय मिला, बावजूद इसके मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से 15 महीने में ही समूची सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में विकास कार्य शुरू कराए। क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य पूर्ण हो गए हैं और कुछ चल रहे हैं। गांव में अब पीने के पानी की समस्या नहीं है, नल जल योजनाओं से पानी घर घर पहुंच रहा है। अधिकांश गांव पक्की सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जुड़ गए हैं। अब लोगों को कच्ची सड़क और गड्ढों से मुक्ति मिल गई है। कांग्रेस की रुचि विकास कार्यों में नहीं रहती, वह तो भाजपा के कार्यकाल में हो रहे कार्यों में अड़ंगे लगाना चाहती है और झूठे वादे कर जनता को गुमराह कर सत्ता में आना चाहती है। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार और हमने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अनेक मंगल भवन, सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी कार्यालय भवन, स्कूल भवन, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। इसके साथ ही नल जल योजनाओं से अब घर घर पानी पहुंच रहा है। देश सहित सुर्खी के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मान दे रहे हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई है। भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि चुनाव प्रचार में मुझे मिल रहे आशीर्वाद से मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आने वाले 17 नवंबर को होने वाले मतदान में इसी तरह आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, इसलिए आपको अपने वोट व्यर्थ नहीं जाने देना। इस दौरान गोविंद सिंह, रामकुमार पप्पू तिवारी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहीर कुरैसी, देवेंद्र सिंह, विनोद कपूर, विनोद ओसवाल, मंडल अध्यक्ष अमित राय, नन्हे भाई पारासर, छोटीलाल बहादुर सिंह, बलजीत सिंह पटेल, मनु आदिवासी, रोशन आदिवासी, हर्षवर्धन राजा भवर, रति राम अहिरवार, सुदामा रजक सहित अनेक ग्रामवासी, भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। द खबरदार न्यूज से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।